हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नाटो देशों के शिखर सम्मेलन 2019 की मेज़बानी किसने की? तो नाटो देशों के शिखर सम्मेलन 2019 की मेज़बानी की है ब्रिटेन के लंदन में। नाटो देशों के शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया। बात हुई नाटो की, तो नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना होती 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न, किस ऐप को 2019 का सर्वश्रेष्ठ गूगल प्ले ऐप चुना गया है? तो ये ऐप है शिल्पा शेट्टी ऐप। ये शिल्पा शेट्टी की एक फिटनेस ऐप है, शिल्पा शेट्टी ऐप। तो इस ऐप को गूगल प्ले की 2019 का सर्वश्रेष्ठ ऐप चुना गया है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच 10 से 19 दिसंबर के बीच इंद्र 2019 अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो इंद्र 2019 अभ्यास ये आयोजित किया जाएगा भारत और रूस के बीच, और इसका आयोजन 10 से 19 दिसंबर के बीच किया जाएगा, और इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत में 3 जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा, झांसी, पुणे और गोवा। इन 3 जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। बात हुई है रूस की, तो रूस की राजधानी है मास्को। रूस की करेंसी है रूबल। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न, अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के दावोस में इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मध्य प्रदेश के दावोस में इस अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है, और यह मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क है। बात हुई मध्य प्रदेश की, तो मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्मा, राई, बधाई और भगोरिया। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क और माधव राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क। मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध हैं, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध और बाढ़ सागर बांध। और गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर बना हुआ है, और बाढ़ सागर बांध ये बना हुआ है सोन नदी पर। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थान हैं, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में है, और मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, और मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। दालों और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में जिले हैं 52 जिले। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11। अगला प्रश्न, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने तीसरे राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, किस देश के सिक्के पर टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर की छवि प्रकाशित होगी? तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, ये स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो स्विट्जरलैंड के सिक्के पर इनकी छवि
प्रकाशित होगी। और स्विट्जरलैंड के इतिहास में यह पहली बार होगा कि जब किसी जीवित व्यक्ति की छवि सिक्के पर प्रकाशित की जाएगी। तो स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, इनकी छवि प्रकाशित होगी स्विट्जरलैंड के सिक्के पर। अगला प्रश्न, मॉरिशस का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो मॉरिशस का नया राष्ट्रपति चुना गया पृथ्वीराज सिंह रूपन को। बात हुई है मॉरिशस की, तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। मॉरिशस की करेंसी है रुपया। मॉरिशस के राष्ट्रपति बन गए हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ। अगला प्रश्न, इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है स्वर्गीय अरुण जेटली को। अरुण जेटली जो कि भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मंत्री रहे थे, अगस्त 2019 में इनका निधन हो गया था। तो मरणों उपरांत इन्हें इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार इनकी पत्नी संगीता जेटली को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है जोकिन राफेल फिनिक्स को। यह अमेरिकन एक्टर जोकिन राफेल फिनिक्स और ये जोकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने किसी फिल्म में जोकर की भूमिका निभाई है तो उसीलिए ये फेमस हैं। शायद आपने फिल्म भी देखी होगी। और ये 3 साल की उम्र से शाकाहारी रहे हैं। तो जोकिन राफेल फिनिक्स इनको पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से विराट कोहली को सम्मानित किया गया था। तो विराट कोहली को इंडिया के लिए सम्मानित किया गया है और जोकिन राफेल फिनिक्स को पूरे वर्ल्ड के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर इंडिया के लिए पूछेगा तो आंसर विराट कोहली होगा और अगर ऐसे पूछेगा तो आंसर जोकिन राफेल फिनिक्स होगा। बात हुई पेटा की, तो पेटा की फुल फॉर्म होती है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा का मुख्यालय है वर्जीनिया यूएस में। पेटा ये पशु अधिकारों के लिए काम करता है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? तो स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है ओडिशा सरकार ने। ये ऐप स्कूली छात्रों के लिए है। इस ऐप के माध्यम से छात्र अपनी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में वीडियो देखकर उसे अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब जो भी विषय उनको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बारे में वो वीडियो में देख सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ओडिशा सरकार ने मधु ऐप स्कूली छात्रों के लॉन्च किया है। बात हुई ओडिशा की, तो मैं आपको ओडिशा के बारे में बता देता हूँ। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं ओडिशी डांस, डंडा यात्रा और छऊ। ओडिशा में पावर प्लांट है तलचर पावर प्लांट। ओडिशा के प्रमुख स्थान हैं ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, और ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है, और ओडिशा में गुंदिचा घर मंदिर ये भी पुरी में स्थित है, और ओडिशा में खंडगिरी गुफाएं और उदयगिरी गुफाएं। ओडिशा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं ओडिशा में भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। ओडिशा का प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ओडिशा में झील है चिल्का झील। चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
ओडिशा में जिले हैं 30, लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। अगला प्रश्न, किस देश की टीम को क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात हुई न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, वेलिंगटन इसकी राजधानी है। न्यूजीलैंड की करेंसी है डॉलर। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डर्न, जैकिंडा अर्डर्न यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कल के प्रश्नों की। तो कल मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया है और बैलॉन डी और पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर था लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। दूसरा प्रश्न था भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था 4 दिसंबर को। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है, पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, मात्सुको अशिकावा को किस बैंक ने अपना नया अध्यक्ष चुना है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।